योगी अनाज मंडी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और स्थानीय विधायक आफताब अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं से घर घर कांग्रेस अभियान चलाने का आह्वान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर नू हिंसा को लेकर भी हरियाणा सरकार को साजिश के कटघरे में खड़ा किया गया। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने हरियाणा में माहौल खराब करने के लिए नू में हिंसा की साजिश रची थी, लेकिन प्रदेश की खा पंचायतों ने सरकार के षड्यंत्र को भांप लिया और प्रदेश के भाईचारे को बिखरने से बचा लिया। हुड्डा ने कहा कि हम नू हिंसा की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग करते हैं और मौजूदा सरकार ने अगर जांच नहीं करवाई तो कांग्रेस सरकार बनने के बाद नू हिंसा की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। सर, मेवा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार बनती है तो नू हिंसा की जांच कराएंगे आप? नू हिंसा की जांच हर चीज की जांच होती है, क्योंकि क्योंकि जो हिंसा का हुआ यहाँ उसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। आफताब अहमद जी ने डीजीपी को पत्र लिखा कि बहुत सारे निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, उस टॉपिक पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जांच कराएंगे अगर मुख्यमंत्री आप बने? मैं तो कैच माना करते हैं और कोई निर्दोष आदमी है उसको निकाल देंगे, और क्योंकि कहीं ना कहीं ये साजिश में सरकार की तरफ उंगली उठती है कि कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि हिंसा जो नू हिंसा हुई है उसके दो मुख्य दोषी उनके चेहरे उजागर करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया, क्या कहेंगे? कौन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था नू हिंसा के मुख्य दोषियों का चेहरा जल्द उजागर करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। हमने उसका भी मांग कर रखी थी ये कि हाईकोर्ट के जज के अगर इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में हुड्डा और उदयभान ने हरियाणा में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज फ्री फॉर ऑल है, लगता है प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतना ही नहीं, हुड्डा ने इस दौरान ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल का भी मुद्दा उठाया और हिट एंड रन कानून में संशोधन करने की मांग उठाते हुए चालकों की हड़ताल का समर्थन भी किया। नू से अनिल मोहनिया के साथ पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।